नमस्कार, मेरे इस चैनल रोचक कथाएं में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं आपको एक मेंढक की प्रेरणादायी कहानी बताने जा रहा हूं। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। उस तालाब के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा लोहे का खंभा वहां के राजा ने लगवाया हुआ था। एक दिन तालाब के मेंढकों ने निश्चय किया कि क्यों ना इस खंभे पर चढ़ने के लिए रेस लगाई जाए। जो भी इस खंभे पर चढ़ जाएगा उसको प्रतियोगिता का विजेता माना जाएगा। रेस का दिन निश्चित किया गया। कुछ दिनों बाद रेस का दिन आ गया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहाँ कई मेंढक एकत्रित हुए। पास के तालाब से भी कई मेंढक रेस में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे हुए थे और प्रतियोगिता को देखने के लिए भी बहुत सारे मेंढक वहाँ एकत्रित हुए। रेस का आरंभ हुआ। चारों ओर शोर ही शोर था। सब उस लोहे के बड़े से खंभे को देखकर कहने लगे, अरे इस पर चढ़ना नामुमकिन है, इसे तो कोई भी नहीं कर पाएगा, इस खंभे पर तो चढ़ा ही नहीं जा सकता, कभी कोई यह रेस पूरी नहीं कर पाएगा। और ऐसा हो भी रहा था। जो भी मेंढक खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता वो खंभे के चिकने एवं काफ़ी ऊंचा होने के कारण थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। बार बार कोशिश करने के बाद भी कोई ऊपर खंभे पर नहीं पहुंच पा रहा था। अब तक काफ़ी मेंढक हार मान गए थे और कई मेंढक गिरने के बाद भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए थे। इसके साथ साथ अभी भी रेस देखने आए मेंढक जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अरे यह नहीं हो सकता, यह असंभव है, कोई इतने ऊंचे खंभे पर चढ़ ही नहीं सकता। और ऐसा बार बार सुनकर काफ़ी मेंढक हार मान बैठे और उन्होंने भी प्रयास करना छोड़ दिया। और अब वे भी उन मेंढकों का साथ देने लगे जो जोर जोर से चिल्लाने लगे। लेकिन उन्हीं में से एक छोटा मेंढक लगातार बार बार प्रयास कर रहा था। वो खंभे पर चढ़ता, फिसलता, गिरता, फिर पुनः प्रयास करता, उठता, फिर पुनः प्रयास करता। लगातार कोशिश करने के कारण छोटा मेंढक खंभे पर जा पहुंचा। हालांकि वो भी काफ़ी बार गिरा, उठा, प्रयास किया, तब कहीं जाकर वो सफलतापूर्वक खंभे पर पहुंचा और रेस का विजेता घोषित किया गया। उसको विजेता देखकर मेंढकों ने उसकी सफलता का कारण पूछा कि यह असंभव कार्य तुमने कैसे किया, यह तो नामुमकिन था, यहाँ सफलता कैसे प्राप्त की, कृपया हमें भी बताएं। तभी पीछे से एक मेंढक की आवाज़ आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। फिर भी मेंढकों ने विजेता मेंढक से पता करने के लिए एक ऐसे मेंढक की मदद ली जो उसकी सफलता का कारण जान सके। विजेता मेंढक ने बताया कि मैं बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन जब आप लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो मुझे लगा जैसे आप मुझसे कह रहे हो कि यह तुम कर सकते हो, यह तुम्हारे लिए मुमकिन है, इन्हीं शब्दों ने मुझे सफलता दिलाई है। तो दोस्तों, यह थी मेंढकों की कहानी। लेकिन यह कहानी काफ़ी हमारी ज़िंदगी से भी मिलती जुलती है, क्योंकि हम बाहर दुनिया की सुनते हैं जो हमेशा हमसे कहते हैं कि तुम यह नहीं कर सकते, सफल नहीं हो सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर सफलता पाने की क्षमता होती है और हम पा भी सकते हैं, लेकिन दूसरों की बातों में आकर अपने लक्ष्य को पाने से चूक जाते हैं, जिसके कारण हम एक औसत जीवन जीते हैं। इसलिए आज से ही हमें उन सभी लोगों के प्रति अंधे व बहरे हो जाना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाते हैं। ऐसा करने से आपको आपकी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।